दोस्तों पूरे इंडिया भर में चर्चा चल रही है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट 16,000 एंजियोप्लास्टीज एंजियोग्राफीज कर चुका है उसकी अगर डेथ हो जाए हार्ट अटैक से तो फिर बाकी लोगों का क्या होने वाला है। इस बात पे आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट भी आदमी होता है और उससे भी गलतियाँ होती है, अननोइंगली वो प्रेशर लेता रहता है और इससे हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी होती है। आपको मालूम है गौरव गांधी जामनगर में गुजरात में प्रैक्टिस करते थे, बड़े हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। ही वॉज अ MD, ये सर्जन नहीं थे। याद रखिए बहुत सारे लोगों को धारणा है वो सर्जन था, इतने 16,000 सर्जरी कर दिया था। नो, ही वॉज अ एंजियोप्लास्टी डॉक्टर, उसको बोलते इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी इस तरह के काम करते थे और 16,000 इन्होंने बहुत कम उम्र में कर लिया था। बहुत बिजी आदमी थे और स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है हार्ट की बीमारी में, और लोग जो अवॉइड करते हैं वो है कभी चेकअप नहीं करते अंदर से अपना कि कितनी ब्लॉकेज है। आज CT एंजियोग्राफी हमारे पास अवेलेबल है, 15 सेकेंड लगती है सिर्फ पता करने आपके अंदर ब्लॉकेज कितनी थी, और उनकी ब्लॉकेज रही होगी और ब्लॉकेज बहुत मेन ट्यूब में रही होगी तभी जाके हार्ट अटैक पॉसिबल है। तो उनको हार्ट अटैक हो गया, उन्होंने गए हॉस्पिटल में, उनको बताया गया गैस की प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ट अटैक के इनिशियल फेज में ECG में चेंज नहीं आती है, पर वो गैस की प्रॉब्लम करके वापस आए और सुबह 6 बजे उनकी हार्ट अटैक का जब पता चला हॉस्पिटल लेके गए, इन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की पर डेथ हो गई। तो ये जो हो रहा है यंग कार्डियोलॉजिस्ट की डेथ, इससे हर के दिमाग में घंटी बज रहा है कि क्या मेरा तो नेक्स्ट नहीं है। जब कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक हो सकता है, पर गलती कहाँ पर है? गलती है कि उन्होंने कभी CT एंजियोग्राफी नहीं कराई, जबकि आजकल ये वाइडली अवेलेबल है, हर कोई करा सकता है, जाके 5 मिनट का काम है। और आजकल 5,000-7,000 रुपया टेस्टिंग है डॉक्टर को दिखाने में लग जाती है, तो ये 5,000-7,000 में अगर CT एंजियोग्राफी हो सकती है तो क्यों ना करवाएं। मैं तो समझता हूँ वाइडली कोई भी आदमी को आजकल CT स्कैन करा के देखना चाहिए अगर उसके पास कोई रिस्क फैक्टर है। इस कार्डियोलॉजिस्ट के पास सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है बिजी, इतना बिजी, इतने कम उम्र में इतने सारे अगर एंजियोग्राफीज एंजियोप्लास्टीज किया है तो नेचुरली ही वुड हैव बीन वेरी मच बिजी। मेरे अंडर में 2 DM कार्डियोलॉजिस्ट काम करते थे, एक बहुत हाई प्रैक्टिसिंग आदमी थे, वो सरकारी जॉब भी करते थे, शाम को प्रैक्टिस भी करते थे, रात को 2 बजे तक पेशेंट को देख रहे हैं, इमरजेंसी हैंडल कर रहे हैं, और खाना भी गलत खाते थे, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट के संग बहुत कॉमन होती है, और यही प्रॉब्लम रही होगी गौरव गांधी के साथ कि उनके पास इतनी ज़्यादा प्रेशर थी कि उनको अल्टीमेटली हार्ट का बीमारी हुआ और उनको पता भी नहीं चला अंदर ही अंदर हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि हिडन बीमारी है। जिस दिन हार्ट अटैक हो उस दिन पता हुआ, पर बद दिन लेट था क्योंकि मेन ट्यूब में कहीं हार्ट अटैक हुई होगी और इसी से ही सडन डेथ होती है। और मैं इसी वक्त एक और आपको बताना चाहता हूँ, थोड़े साल पहले एक ऐसे ही हार्ट सर्जन की डेथ हुई थी जो इनसे भी ज़्यादा फेमस थे, उनका नाम था डॉक्टर नीतू मांडके। ये बॉम्बे के वन ऑफ द बेस्ट हार्ट सर्जन थे और इन्होंने बाल ठाकरे जी का 2nd बाईपास सर्जरी की थी जबकि कोई डॉक्टर तैयार नहीं था, एंड ही डिड ऑपरेट हिम एंड ही गॉट वेरी हाई यू नो रिगार्ड्स फ्रॉम एवरीबडी बिकॉज दैट 2nd ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। और उसके बाद उनको एक जगह गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किया गया कि आप यहाँ पे हॉस्पिटल बनाइए, 23 फ्लोर की हॉस्पिटल उन्होंने बना ली, और इतनी उनके पर प्रेशर रही क्योंकि हॉस्पिटल बनाना कोई छोटा काम नहीं था, और इतना प्रेशर रहा कि उनको एक दिन हार्ट अटैक हुआ और उनकी भी ऐसे ही डेथ हुई थी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद, उनको बचा नहीं पाए। तो ये आज कार्डियोलॉजिस्ट को इससे सीख लेनी चाहिए कि काम करो पर अपना ध्यान बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, मैं तो बोलता हूँ कोई भी इतना बिजी आदमी हो जिसके पास टाइम नहीं एक्सरसाइज करने का, जिसके पास कोई टेस्ट नहीं किया हुआ है, तो उनको ज़रूर हार्ट का टेस्ट करा लेना चाहिए, स्पेशली जिनके पास हाई प्रेशर जॉब है। तो यंग लोगों के पास आजकल हर कोई चाहता है बहुत जल्दी बहुत प्रोग्रेस कर लूं, और इसके लिए वो जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत ज़्यादा काम ले लेता है, और यही एक कारण है कि उनको हो सकता है हार्ट अटैक हुआ हो। तो मैं समझता हूँ आज के बाद हर हार्ट का पेशेंट को अगर हम लोग ध्यान दिला सकें, और जो हार्ट का पेशेंट नहीं उसको हम बता सकें कि आपको करना क्या है, खाना पीने में कहाँ चेंज लाना है, आपकी टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए, लिपिड प्रोफाइल अगर हाई है, अगर आपके पास कोई भी रिस्क फैक्टर है तो CT स्कैन जरूर करवाइए। दोस्तों आज यहीं पर मैं एंड करूँगा, पर ये जो डेथ हो रही है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरत है वाइड स्प्रेड अवेयरनेस जो सावल कर रहा है।
आज हमारी 110 क्लिनिक है और हम चाहते हैं इंडिया के एक एक कोने कोने में, आपको मालूम है ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ एक दिन में 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग देख रहे हैं चाहे कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये जो 10 लाख लोगों को हर दिन अवेयरनेस करा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है और आप भी इससे अवेयर होइए और ज़रूर आपको जब भी लगे मेरे से कंसल्ट करना हो तो ज़रूर हमसे कर सकते हैं। एक और तरीका है मेरे से मिलने का, वो है मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ 2 जुलाई को, आप उसमें अपना नाम दिखा सकते हैं और 2 जुलाई संडे 5 बजे शाम को एक वेबिनार है जिसमें मैं बताऊंगा हार्ट की बीमारी में क्या क्या टेस्ट होनी चाहिए और कैसे इस बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। इस वेबिनार में ज़रूर भाग लीजिए। ज्वाइनिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे क्लिक करिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे इस वेबिनार में आप पार्टिसिपेट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ हूँ, सावल हार्ट सेंटर जो कि इंडिया की पहली नॉन इन्वेजिव चेन ऑफ क्लिनिक है, सबसे बड़ी वाली क्लिनिक है, वहाँ से हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं विदाउट सर्जरी विदाउट एंजियोप्लास्टी। थैंक यू सो मच।